हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आज आपको 11th का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, जो कि आपको 11th टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमने टॉपिक का क्या नाम है? बाइनोमियल आपके बुक में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाएगा, थ्योरम। अच्छा, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट है 11th में, थोड़ा सा आपको इसके लिए ना ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इतना समझते हैं कि आपने कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी आपको इसमें यूज आने वाली है। कॉम्बिनेशन एनसीआर जो आपने पीछे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या था ये? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बिल्कुल ये आपने पढ़ा होगा। ये मैं मान के एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीआर का। अब पूछोगे सर बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, नाम से ही पता दिख रहा है देखो तो, क्योंकि आप साइंस वाले हैं, तो इसमें क्या लिखा है? बाई का मतलब टू, बाई का मतलब टू, और टू टर्म का एक्सपेंशन क्या है? टू टर्म का एक्सपेंशन। अब पूछोगे टू टर्म का एक्सपेंशन मतलब सर, जैसे मैं आपको अगर बेसिक एक छोटा सा थोड़ी सी बातें कर लू, बेसिक जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में अगर मैं आपसे पूछू कि बेटा इसका एक्सपेंशन बताइए, एक्स प्लस y का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर इसका एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, टू एक्स वाई। ये आप जानते हैं, लोअर स्टैंडर्ड से आपने आइडेंटिटी के रूप में पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। कुछ हद तक आपको अगर मैं पूछूं कि इसका क्यूब बताइएगा, एक्स प्लस वाई का पावर थ्री, तो आप क्या बताओगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अच्छा, अगर ऐसे से करके मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का करूं और मैं पूछूं एक्स प्लस वाई का पावर हमको 50 बताओ, अब स्टूडेंट हमारी नजर से देखेगा कि सर ये क्या पूछ लिया आपने, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं। तो देखो टू टर्म थ्री टर्म, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में 10th तक आपने इसका एक्सपेंशन पढ़ा होगा। अब इसी का एक्सपेंशन, इसी का ये 50 टर्म लिखा है, हो सके 100 टर्म हो, 200 टर्म हो, उसी को हम जनरलाइज वे में करेंगे एन टर्म, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसी का एक्सपेंशन करेंगे। अब इस सेंस में दो टर्म है, इसलिए इसको बाइनोमियल के नाम से जाना जाता है। दो टर्म एज्यूम करके उसको एक्सपेंशन करते हैं, इसी के लिए बाइनोमियल बना। और इसके आगे चल के इसका बहुत सारा यूज है, एप्लीकेशन है, आपको आगे चल के वन बाई वन हम सिखाने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला या पहला कंसेप्ट इस वे में आता है कि देखिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई का पावर कितना, एन। क्या है? एन। अच्छा, अगर पावर एन है, जैसे आपने इंडेक्स पढ़ा होगा ना, एन जो एन है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये बार बार मैं अभी रिपीट करके लिखूंगा, एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। अब पूछोगे सर इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? एक्सपेंशन आपने ऐसे लिखा और मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा डरावना सा लगेगा जो स्टार्टिंग फेज के स्टूडेंट है कि सर ये क्या लिख दिया आपने, लेकिन ट्राई करते हैं, आपको आसान होगा, समझ में आएगा। एन सी जीरो, मैंने आपको बार बार सिखाने का कि क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन का अच्छा खासा यूज है, एन सी जीरो एक्स का पावर एन और वाई का पावर जीरो। फिर टर्म अभी रिपीट करेंगे, एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई का पावर वन, एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई का पावर टू, वैसे करके एन सी थ्री एक्स एन माइनस थ्री वाई का पावर थ्री, ऐसे करके एक्सपेंशन चलेगा। डॉटेड डॉटेड मैं जान से दिखा रहा हूं बीच में, और लास्ट टर्म मैंने आपको जान से यहां पे लिखा है एन सी एन एक्स जीरो और वाई का पावर। अच्छा, हमने एक एक्सपेंशन लिखा और बीच में एक सस्पेंस बना के हमने डॉट लगा दिया। अब वो सस्पेंस क्या है, क्या है वो लॉजिक, वो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। अब पूछोगे सर एक्सपेंशन कैसे हुआ, आपने तो ऐसे आप पढ़ा रहे हो, आपको याद है, आपने लिख दिया, इसका क्या है? देखो तो क्या होता है एक्सपेंशन बेटा, इसका लॉजिक क्या है और कैसे इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। पावर एन था, एन तो क्या लिखा है, एन सी जीरो एक्स, देखो एक्स का पावर एन है, एक्स का पावर यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर का, देखिए एन एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस थ्री, घटते घटते देखिए तो लास्ट में एक्स जीरो, वैसे वाई का पावर क्या होगा, इंक्रीजिंग का है, वाई का पावर जीरो, वाई का पावर वन, वाई का पावर टू, वाई का पावर थ्री, वाई का पावर फोर, लास्ट में क्या, वाई का पावर एन। अच्छा, अगर एक्सपेंशन है, आप इस ध्यान से इसको देखो, आप अगर आप इसको देख रहे हो तो देखो दोनों का पावर का है, एन प्लस जीरो एन, एन माइनस वन प्लस वन जीरो, एन जीरो नहीं सॉरी एन, एन माइनस वन प्लस वन एन, एन माइनस टू प्लस टू एन, एन माइनस थ्री प्लस थ्री एन, जीरो प्लस एन एन, तो इन दोनों का पावर हमेशा क्या होगा, एड होके एन आएगा, देख रहे हो सब में। अच्छा, अगर ऐसा आ रहा है और इस तरह का एक्सपेंशन है
तो पीछे में मैंने अभी थोड़ा सा एक चीज आपको लॉजिकली एक चीज लिखा था, देखो ध्यान से, अगर x प्लस वाई का एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, अगर इसका एक्सपेंशन था तो देखो तो कितने टर्म आए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो तीन टर्म आते हैं ना, पावर थ्री, तो देखो चार टर्म, मतलब एक लॉजिक भी डेवलप होगा कि जितना टर्म है ना उसको एक्सपेंड करोगे तो एक टर्म बढ़ेगा, जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करो तो तीन टर्म आया, एक्स प्लस वाई का पावर थ्री किया तो कितने टर्म, चार टर्म, अगर एक्स प्लस वाई का पावर फोर करोगे तो कितने टर्म आएंगे, पांच टर्म, ऐसे करके एक टर्म बढ़ता है। तो अगर एक टर्म बढ़ता लॉजिक का है तो यहां कितने टर्म है, देखो तो यहां कितने टर्म है, एन, तो टोटल टर्म कितना होगा, एन प्लस वन, एक टर्म बढ़ेगा तो टोटल टर्म अभी मैं लिखूंगा एन प्लस वन होगा। अच्छा, अगर एक्सपेंशन इस पैटर्न पे क्या बोला है, एन सी जीरो एक्स टू पावर एन वाई का पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर घट रहा है वाई का पावर बढ़ेगा, ऐसे कहां तक, एन तक। लेकिन अगर मेन प्लेयर आपका और मेन कंसेप्ट यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डरावना है लेकिन आसान है, प्यारा सा है, आसान है। अच्छा, एक चीज हम बीच में डॉटेड लगाए हैं जान से, आप पूछोगे सर क्या क्या किया, क्योंकि एज ए टीचर हमें पता है कि आपको, क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, अब बीच में जैसे मैं एक जनरल टर्म लिखने वाला हूं या जनरल टर्म बोलने वाला हूं, तो अगर आप लॉजिकली पूछोगे सर जनरल टर्म होता क्या है, क्योंकि आप जानते नहीं हो तो आप पूछोगे जनरल टर्म होता क्या है, जैसे अगर आप जनरल स्टोर में जाते हो तो क्या मिलता है, वहां नमक चीनी सॉल्ट शुगर सब कुछ मिलते हैं, पल्स राइस सब कुछ मिलता है, जनरल स्टोर मतलब जनरल सब कुछ। यहां भी एक हम जनरल टर्म लिखने वाले हैं, आप पूछोगे सर ऐसा क्या है, तो देखो बीच में मैं एक टर्म लिख रहा हूं और उसको मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके आपको दिखा रहा हूं, देखो बीच में लिख रहा हूं एनसीआर, आप पूछोगे ये क्या है सर, एनसीआर मतलब हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है, जीरो वन टू ऐसे बीच में कोई आठ टर्म होगा। अगर ध्यान से देखो, अगर ये जीरो था तो वाई जीरो, अगर वन तो वाई, अगर एनसीआर तो मैं यहां लिख रहा हूं वाई का पावर आर, ये तो क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर एन जीरो है एनसी जीरो तो वाई जीरो, एनसी वन तो वाई वन, एनसी टू तो वाई टू, तो एनसीआर तो वाई कितना, वाई का पावर आर। आप पूछोगे एक्स सर, तो देखो एन माइनस वन तो एक्स कितना होगा, एक्स का पावर एन माइनस आर। अच्छा, आप पूछोगे सर इसको बताने में आपने इतना सस्पेंस क्या, क्या इसमें स्पेशल खास है, ये स्पेशल है, देखना ये काफी स्पेशल है जो आगे चल के हम इसका यूज करेंगे। एक बीच का कोई भी टर्म हो, बीच मतलब कोई भी टर्म हो जिसको आगे चल के हम जनरल टर्म में इंट्रोडक्शन करेंगे, एक कुछ भी बीच का एक टर्म है जो इस तरह से है, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। अब बाइनोमियल इसलिए कहते हैं कि इसको फर्स्ट टर्म आपने बोला, इसको आपने फर्स्ट टर्म बोला और इसको हमने सेकंड टर्म बोला, क्या बोला, सेकंड टर्म, इसलिए इसको बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म का एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, आजकल शॉर्टकट का जमाना है, आप मैसेज भी चैट में करते हो यू आर ए आर ई नहीं आर, तो ऐसे करके इसको शॉर्ट फॉर्मेट में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अभी हमने आपको एक चीज बोला कि टोटल टर्म कितना होगा इसका, टोटल टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म होगा एन प्लस वन, एक टर्म बढ़ता है ना, तो टोटल टर्म कितना, एन प्लस वन, यहां तक क्लियर। अच्छा, अगर एक चीज और कि जो एन था ना मेरा, एन क्या होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू एन, एन मतलब ये जो एन है ना, एन फॉर अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, जो पावर होना चाहिए हमेशा नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर नेचुरल नंबर है तो देखो मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि शॉर्टकट का जमाना है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेगा, आप जब बुक ओपन करोगे तो उसमें कुछ नोटेशन शॉर्ट फॉर्मेट में होगा, तो मैं इसी चीज को शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इतना लंबा ना लिख के देखो लिख रहा हूं एन, तो आप पूछोगे शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे सर, ए समेशन का साइन है, समेशन मतलब प्लस, समेशन का साइन आर, जीरो से हमने आर एन तक किया, फॉर्मूला क्या लगाया, एनसीआर एक्स, एनसीआर एनसीआर एक्स एन माइनस आर और वाई का पावर आर। अब पूछोगे सर ये क्या है, इसी चीज को हमने जनरलाइज वे में लिखा है, क्या लिखा है, जनरलाइज वे में एक्सपेंशन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा। आप पूछोगे सर वही चीज है, बिल्कुल वही है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो मैं दिखाता हूं, आर की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे, एन सी जीरो आर यहां एक्स पावर एन वाई जीरो, फिर साइन समेशन का है प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई का पावर वन प्लस एन सी टू, तो उसी चीज को ये शॉर्ट फॉर्मेट नोटेशन में, क्या है, शॉर्ट फॉर्मेट है, शॉर्ट का जमाना है ना, रील्स देखते हैं आप तो शॉर्ट फॉर्मेट है, क्या है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ नहीं, उसी को हमने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा, क्लियर है, ये उसी का। अच्छा, इसी चीज में मैं पहले थोड़ा सा और आपको बेसिक एक्सपेंशन करूं, ये बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन दिखाया, इसमें कितने टोटल टर्म्स होंगे, एन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में, अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट वाले को देखो ध्यान से, इसको अगर आपको इसको ध्यान से देख रहे होगे
तो नहीं लग रहा है कि ये तो कुछ दिखा दिखा लग रहा है जो ये टर्म देखो तो ध्यान से, ये नहीं लग रहा है कि इसी जैसा है मिलता जुलता। तो आगे चल के मैं थोड़ा सा एक और ऐड कर देता हूं आपके लॉजिक के लिए, एक लॉजिक के लिए एक आएगा आपका जनरल टर्म। क्या आएगा? जनरल टर्म, मैंने आपको सिखाया ना जनरल टर्म, जनरल टर्म आएगा। क्या आएगा? जनरल टर्म आएगा। तो जनरल टर्म का मतलब क्या है? जनरल टर्म आएगा कि क्या, जनरल टर्म में इसको हम जनरलाइज वे में लिखते हैं। जनरल टर्म में क्या लिखते हैं? आर प्लस वन टर्म में, जैसे हमने एक टर्म लिखा, देखो हमें टर्म नहीं पता तो उसको आर प्लस वन पे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? एन सी आर, वही जो टर्म हमने लिखा एन एन माइनस आर वाई का पावर आर। क्या लिखा? जो आपने पीछे जो हमने दिखाया ना, इसी को हम जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म का मतलब है कि कोई टर्म पता नहीं हमें, कोई भी नहीं टर्म पता है, इसको हमने जनरलाइज कर लिया। कोई भी टर्म हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है, सातवां हो सकता है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, एनीथिंग, कुछ भी टर्म है हमें नहीं पता है, इसको आप जनरल टर्म बोल सकते हो। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहां तक आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही होगी। पहले एक्सपेंशन दिखाया, कुछ उसमें नोटेशन दिखाया। अच्छा, ये बार बार मैं यूज कर रहा था कि ए यूज में है बहुत ज्यादा, तो आपको इस पे कमांड होना चाहिए, एन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। और क्या है? आर फैक्टोरियल होता है ना, बिल्कुल, ये आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि इसी पे मेन प्लेयर आपका ए भी साथ में आपके सपोर्टिंग रोल में होगा। अच्छा, अगर मैं ये बातें बता दिया तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेंशन दिखा देता हूं, क्योंकि एक्सपेंशन आपको देखना है। जैसे फाइंड, या फाइंड फाइंड मत बोलो, इसको एक्सपेंड बोल देते हैं, एक्सपेंड करते हैं क्वेश्चन, एक्सपेंड एक्स प्लस वाई का पावर फाइव। क्या किया हमने? ठीक है, एक्सपेंड किया एक्स प्लस वाई का पावर फाइव। अब पूछोगे सर एक्सपेंशन है उसी का, उसी को बाइनोमियल थ्योरम भी बोल रहे हैं। अब इसको एक्सपेंशन करते हैं, क्या हमने सिखाया था? देखो ध्यान से, क्या सिखाया था? फाइव सी जीरो एक्स का पावर फाइव वाई का पावर जीरो प्लस फाइव सी वन एक्स का पावर फोर वाई जीरो, वाई जीरो नहीं सॉरी, वाई कितना होगा? वाई वन, क्योंकि पावर वाई का बढ़ने वाला है ना। वाई कितना? वाई वन, वाई वन प्लस फाइव सी टू एक्स थ्री वाई टू प्लस फाइव सी थ्री एक्स टू वाई कितना है? थ्री प्लस फाइव सी फोर एक्स वन वाई फोर, फाइव सी फाइव और एक्स जीरो और वाई फोर, फाइव फाइव सॉरी। अब हमने वही चीज को एक्सपेंशन में किया, क्या किया? देखो फाइव एन सी जीरो बताया था, फाइव सी जीरो एक्स टू पावर फाइव वाई जीरो प्लस फाइव सी वन एक्स टू पावर फोर वाई वन, फाइव सी टू एक्स टू पावर थ्री वाई टू, फाइव सी थ्री एक्स का पावर टू वाई का पावर थ्री। तो एक्स घटता जा रहा है और वाई बढ़ता जा रहा है, ये इसका एक्सपेंशन है। लेकिन आपको ऐसे ही तो नहीं लिख रहे हैं, आपको इसके कैलकुलेट करने हैं। अगर कैलकुलेशन है तो पहले आप, क्योंकि आप ये मैं समझता हूं आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, तो इतना तो आप जानते हो एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू कितना होता है? वन। कितना? वन। अगर वन होता है तो देखो फर्स्ट में ये कितना, फाइव सी जीरो की वैल्यू कितना? वन। तो आंसर पहला तो निकल गया कि पहला हो गया आपका एक्स का पावर फाइव, बिल्कुल प्लस। अब देखो क्या होता है, फाइव सी वन, अगर फाइव सी वन कॉम्बिनेशन में सोल्व करेंगे तो फाइव फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल और फाइव माइनस वन फोर फैक्टोरियल, तो आंसर कितना देगा? फाइव। तो कितना? फाइव एक्स का पावर फोर वाई प्लस, अब देखो देखो सेकंड टर्म फाइव सी टू, तो फाइव फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल कट जाएगा बाय टू, तो कितना? फाइव फोर ट्वेंटी बाय टू कितना? टेन, टेन एक्स थ्री वाई स्क्वायर प्लस। आगे देखो ये आपको सब सोल्व करना होगा, फाइव सी थ्री, तो फाइव सी थ्री कैसे आप सोल्व करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे फाइव सी थ्री कैसे, तो आप अगर सोल्व करना चाहते हो देखो फाइव फैक्टोरियल और कितना थ्री और फाइव माइनस टू, तो आप इसको लिख सकते हो ना फाइव इंटू फोर और कितना थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना टू से, तो ये भी कितना टेन और ये कितना एक्स घटेगा और वाई बढ़ेगा प्लस। ध्यान से देखिएगा कितना फाइव सी थ्री आ गया, फाइव सी फोर, फाइव सी फोर कितना फाइव, फाइव सी फोर कितना फाइव एक्स वन वाई फोर और ओ तो आपका आ जाएगा कितना y का पावर y, ओके। अच्छा फिर से देखो इसको चेक करने का क्या बोला, 5c0 कितना 1, 5c1 5, 5c2 कितना 10 और 5c3 भी 10। ये आपको वैल्यू पुट करके एक्सपेंशन करके आपको लिख देने हैं,
यही इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर ऐसा एक्सपेंशन है, क्या बोला हमने कि जो आपको बेसिक फॉर्मूला बताया ना उसी पे इसको एक्सपेंड करने हैं, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, इसी तरह का एक्सपेंशन है। अच्छा, ये तो हमने एक सिंपल टर्म का एक्सपेंशन किया, एक लॉजिक और मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरा कि अगर x प्लस, अभी मैं प्लस वाला जान से, अगर 2i और पावर इसका 5 कर दिया, तो जो करना एक्सपेंशन है ये दो ही टर्म का एक्सपेंशन चलेंगे, तो आपको कुछ नहीं, मैं सिर्फ लिख देता हूं, देखो 5C0 वही x का पावर 5, और अब यहां पे y नहीं चलेगा, क्या करना है आपको यही सिखाना है मेरा कि y नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये 2y चलेगा, दोनों एक साथ, तो कितना ये चलेगा 2y का पावर देख रहे हो 0 प्लस 5C1 x का पावर कितना 4 और 2y 1, ऐसे करके फिर से एक्सपेंशन चलोगे, ए लास्ट में क्या 5C5 x 0 और 2y का पावर 5। तो इसमें मेरा जो y था ना, y के जगह 2y, तो आंसर तो वही होगा। देखो आंसर मैं लिख रहा हूं, पहला तो कितना x का पावर 5, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, प्लस अब देखिए 5C1 कितना 5, लेकिन ये भी तो है 2 भी मल्टीप्लाई में होगा, तो 5 और 2 कितना 10, x का पावर 4 और कितना y, प्लस अगला कितना था 10, तो 10 अगला में अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 5C2 x3 और 2y का स्क्वायर ना, तो 2 जा 4, ये कितना है देखो थर्ड वाला 10 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना 40 x³y² प्लस अगला चम बताइए 5C3 कितना 10, तो 2 का पावर 8, 10 और 10 80 ना 80 x कितना हो जाएगा 82 और y 3। अगला फिर टर्म आइए कौन सा ये चला है ए 5 और 2 का पावर, यहां पे देखो 2 का पावर कितना 4, तो 16 और 5 वो फिर से 80 x y का पावर 4 और लास्ट में कितना हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म 32 y का पावर 5। तो मेरा बताने का मकसद है ये पूरा 2y चलेगा, पूरा 2y का एक्सपेंशन है, पूरे टर्म का एक्सपेंशन है। तो मैं यहां तक आपको समझाया हूं, यहां तक मेरी बातें आपको आई होप समझ में आया, अच्छे से बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया है कैसे उसको एक्सपेंशन करते हैं। आगे के वीडियो में आपको और कंटिन्यू इस पे, क्योंकि बहुत सारे इसके पार्ट बनेंगे और बहुत सारा इस पे क्वेश्चन है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूले, क्या करना है यूट्यूब पे GLAD30 Academy सर्च करना है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।